हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लाना टेलरिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्म होल निकालना बताऊंगी परफेक्ट तरीके से। तो आर्म होल आपको कैसे निकालना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो भी नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम आर्म होल निकालते हैं। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं लेंथ, जो भी हमारा लेंथ है वो लेते हैं इस तरह से। अगर हमारा लेंथ 13 इंच है तो हम यहाँ पे प्लस 1 करेंगे 14 इंच पर। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा लंबाई हो गया। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर आप अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर अपना ब्लाउज जो है आप नाप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे शोल्डर है 6 इंच, तो यहाँ पे हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया इस तरह से। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्म होल के लिए हमको चेस्ट चाहिए। चेस्ट से ही हमारा आर्म होल निकलता है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट है 32, तो 32 हमको यहाँ पे चेस्ट लेना है। तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8 इंच आ जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पे 8 इंच आ जाएगा। प्लस हम यहाँ पे मार्जिन के लिए 1.5 इंच या 2 इंच आप जितना देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप दीजिएगा इस तरह से। तो ये हमारा चेस्ट आ गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल हमको चेस्ट से ही निकालना है। तो जितना हमारा चेस्ट है उसको हमको 6 से डिवाइड करना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके बताती हूँ। 32 × 6, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 5.3। तो 5.3 मतलब यहाँ पे हमारा 2 इंच जितना ही आ रहा है। अब इसमें हमको 1/2 इंच प्लस करना है प्लस। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा आ रहा है 5.8। 5.8 मतलब यहाँ पे हमारा 5.5 और यहाँ पे 2 लाइन और एक्स्ट्रा। तो इस तरह से ये हमारा आर्म होल आ जाता है। यहाँ पे हमको इस तरह से आर्म होल ले लेना है। ये देखिए, हमारा आर्म होल का लाइन सीधा हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ भी हम चेस्ट को इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल आ गया। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो सीधा रहेगा। अगर आपका नेक डीप है या बहुत ज्यादा डीप है, जैसा भी है डीप है अगर, तो यहाँ पे आपका शोल्डर हमेशा सीधा ही रहेगा। अगर आपका नेक डीप नहीं है तब हमको यहाँ पे शोल्डर पे ऐसे 1/2 इंच का हमको नीचे लाइन ऐसे खींचकर शोल्डर बनाना है। तो अभी हमारा नेक जो डीप है तो हमको यहाँ पे सीधा लाइन ही रखना है शोल्डर पर। और यहाँ पे जो हमारा आर्म होल निकला है इसको हमको यहाँ पे टेप को इस तरह से रखना है, मेजरमेंट टेप को, और यहाँ पे हमको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमको सेंटर निकाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप सेंटर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सेंटर निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल एक साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 लाइन जितना ही सामने की तरफ लेना है और 2 लाइन हमको पीछे की तरफ। तो यहाँ 1/2 इंच का गैप मिल गया, देखिए 1/2 इंच का इस तरह से गैप मिल गया है। तो इसको हमको इस तरह से लाइन खींच लेना है। तो ये हमारा बैक वाला आर्म होल निकल जाएगा। और यहाँ पे हमको 1 इंच लेना है। अगर आपका चेस्ट ज्यादा है तो 1.25 ले सकते हो। अगर उससे अगर आपका 40 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच ले सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे हमको 1 इंच लेना है। और इस तरह से हमको यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। तो ये देखिए, हमारा बैक का आर्म होल निकल गया है। इसी तरह से ये हमारा फ्रंट का आर्म होल निकल जाएगा। और यहाँ पे हमको इसी तरह से मिलाना है जहाँ पे हमने सेंटर लिया है। तो यहाँ पे हमारा दोनों आर्म होल निकल गया। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि आर्म होल कैसे निकालना है। इस तरह से आप आर्म होल निकालोगे तो आपके ब्लाउज में कोई क्रीज नहीं आएगा, झोल ही नहीं आएगा। तो आप भी इसी तरह से आर्म होल निकालिएगा। इस तरह से हमारा आर्म होल, अगर हमारा स्लीव्स परफेक्ट बैठता है आर्म होल पर। और बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सामने हमारा क्रीज आता है। तो यहाँ पे सामने अगर आपका क्रीज आता है तो आप यहाँ पे उसको माइनस कर लीजिएगा सामने फ्रंट भाग का आर्म होल को, तो इससे आपका क्रीज भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको आर्म होल कैसे निकालना है वो बताया है। आपको चेस्ट से ही 6 से डिवाइड कर देना है। जितना आपका चेस्ट है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है। तो इससे आपका आर्म होल निकल जाएगा। और यहाँ पे हमारा वेस्ट ले लेंगे। वेस्ट इस तरह से आपका जितना भी वेस्ट है आप ले लीजिएगा, उसमें आप 1 इंच टक्स के लिए दे दीजिएगा और 1.5 इंच यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा।
तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और जो भी नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना इसी तरह नए नए वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।